हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट द योयो फ्रॉम योर टैक हिंदी और आप देख रहे हैं योर टैक हिंदी, आपका अपना चैनल दोस्तों। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पर करते हैं मैसेज शेयर, लेकिन चूंकि अब तो लिमिटेशन हो गई है, आप व्हाट्सएप पे जब भी जाएंगे तो वहाँ पर आप एक ही मैसेज को कम से कम 5 बार से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूँ जिसके चलते आप एक मैसेज को मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर कर पाएंगे। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, सो इस वीडियो के साथ हम ये सीखेंगे कि व्हाट्सएप में एक ही मैसेज को मल्टीपल ग्रुप्स में किस प्रकार से शेयर किया जाए, क्योंकि अब तो रूल काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा ऐसी टिप्स, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गो विद द योयो। सो दोस्तों, व्हाट्सएप में जैसे कि रिसेंटली अपडेट आया था कि अगर आप कोई भी मैसेज शेयर करते हैं, पहले तो मल्टीपल टाइम पे आप शेयर कर सकते थे एक ही टाइम में एक ही मैसेज को, लेकिन अब क्या होता है कि आपका जो मैसेज होता है वो शेयर 5 से ज़्यादा बार शेयर नहीं होता। तो 5 से ज़्यादा बार शेयर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने ऐप पर। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ऐप पर, तो हम चलते हैं व्हाट्सएप ऐप पर, चूँकि मैं इसको पहले नीचे रख लेता हूँ और व्हाट्सएप ऐप पर हम लोग जाते हैं। मुझे देख पा रहे हैं ना? ठीक है, तो चलते हैं कोई मैसेज पे। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने कि ये आर्टिकल लिखा था या साउथ की आकर्षक फिगर वाली प्रेस, तो करते हैं, छोड़ो इसको नहीं करते, किसी और को करते हैं। सपोज़ चलो ये वीडियो करते हैं, इस वीडियो को हम लोग शेयर करते हैं। तो मल्टीपल टाइम में शेयर करने के लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। आप इसको टाइप करके रखेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ऊपर शेयर का बटन है, तो आप शेयर पर क्लिक करें। शेयर पर क्लिक करने के बाद में आपको टाइप करना होगा, सेलेक्ट करने होंगे मैसेज। आप देखिए, मैं जब भी 5 मिनट चेक कर ली सेलेक्ट, सिक्स जब भी शेयर करूँगा तो मुझे मैसेज आ जाएगा यू कैन ओनली शेयर विद अप टू 5 चैट्स। ओके, मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लूँगा कि इसके नीचे वाला ग्रुप कौन सा है। तो इसके नीचे वाला ग्रुप है फ़नी फ़ोटोज़ ओनली, तो मैं अभी इसको शेयर कर दूँगा। और अब मैं यही वाला आर्टिकल वापस शेयर करूँगा जहाँ पर मैंने छोड़ा था। तो ये देखिए दोस्तों, फिर से मैंने इसको 5 बार सेलेक्ट कर लिया है और इसके नीचे वाला मैसेज पढ़ लेता हूँ, डी के सिंह। तो डी के सिंह वाले ग्रुप से फिर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं मैंने कितनी आसान तरीके से अपना एक ही मैसेज बिना किसी डबल मैसेज के किसी ग्रुप में शेयर किए, सिंगल मैसेज में कर पा रहा हूँ, वो भी काफ़ी जल्दी। यहाँ पर आप भी अपने आर्टिकल्स को या किसी भी वीडियो को, फ़ोटो को इसी तरह मल्टीपल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बस करना आपको ये होगा कि आप उसके नीचे वाला जो ग्रुप है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, कौन सा ग्रुप है वो, उस ग्रुप को एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर शेयर करने के बाद में, जैसे कि अभी आ रहे हैं करके ग्रुप है, तो मैं वापस जाऊंगा, शेयर करूंगा, आ रहे वाले ग्रुप पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने वही आखिरी में शेयर करना था। सो ये एक स्मॉल सी टिप्स है, आप इसके माध्यम से मल्टीपल शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल मैसेज, फ़ोटो, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि आप मल्टीपल टाइम में एक ही मैसेज या आर्टिकल या फ़ोटो वीडियो को कितनी आसानी से अलग अलग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपका होस्ट फ्रॉम योर टैक हिंदी आपके साथ में था। जब सीखेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। सो बाय।